नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की हवा सांस लेने लायक हो, इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सफलता भले ही मिली जुली हो, लेकिन प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई किस तरह से हमारे और आपके लिए महंगी साबित हो रही है, अतुल रंजन की इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको दिखाते हैं। प्रदूषण से एक तरफ लोगों का दम फूल रहा है, तो दूसरी तरफ इससे कुछ लोगों का धंधा फल फूल रहा है। दिल्ली के बाजारों में कई दुकानें इस तरह के एयर प्यूरिफायरों से भरी पड़ी हैं, इस उम्मीद में कि बिक्री और बढ़ेगी। रेंज स्टार्टिंग में हो जाती है हमारी 8000 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 8000, 11000, 9000, और डिपेंड करता है कस्टमर की नीड के हिसाब से, उसको किस रेंज का चाहिए और किस एरिया के लिए चाहिए। पॉल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है एयर प्यूरिफायर तो बिकने बिकने हैं, कस्टमर्स तो उसके बगैर तो फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है एयर प्यूरिफायर के बिना। तो चल रहा है अभी, धीरे धीरे जैसे जैसे होगा उसके बाद सब कस्टमर आता है, वॉकिंग स्टार्ट हो गई कस्टमर की, इवन बेक भी दिए हैं। लेकिन सारे कारोबारी फल फूल रहे हों ऐसा भी नहीं है। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है तो आम तौर पर बाजारों में भी चहल पहल कम हो जाती है। सीधा असर फुटफॉल का व्यापारियों पर पड़ता है। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, गृहणियां हैं, घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो वो छोटी छोटी चीज़ें गली मोहल्लों से बाजारों से नहीं लेके आएंगी। इससे क्या होगा कि ऑनलाइन मार्केट का चलन हो जाता है। भाई चलो जी, बाहर जा कर के दिक्कत होगी, अब मत जाइए, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दीजिए। तकरीबन हर बार सर्दियों में दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रहती है, जबकि इससे बचने के लिए आप और हम कई तरह की कीमत भी चुकाते हैं। दिल्ली में घुसने वाले ट्रकों पर 2015 से ही 700 से लेकर 1300 रुपए तक प्रदूषण टैक्स लगता है। 2016 से ही बड़ी डीजल गाड़ियों की खरीद पर 1% का ग्रीन टैक्स लगता है। अगर गाड़ी 10 से 15 साल पुरानी है तो उस पर पाबंदी लग जाती है। एक तरफ जहां दिल्ली वाले आने वाले दिनों की चिंता में हैं, वहीं दूसरी ओर नेताओं के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बढ़ते ही जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि उनकी नौटंकी से प्रदूषण कम होगा। दिल्ली में अकेली आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है। हरियाणा में भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार, राजस्थान में भाजपा सरकार, केंद्र में भाजपा सरकार, कुछ भी भाजपा की सरकारें करने के लिए तैयार नहीं है। स्टडीज हो चुकी हैं, डिसीजंस लिए जा चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई हुई है, अब फंड्स अवेलेबल हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जिसे ये काम करना है वो कर नहीं रहे, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दिल्ली रहने लायक रहे इसके लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं। साफ हवा के लिए ग्रैप 2 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 2 समेत कई कैंपेन भी शुरू किए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ये विचार कर रही है कि पीक आवर्स के दौरान दिल्ली NCR के अन्य शहरों से आने वाले वाहनों पर ट्रैफिक टैक्स लगाया जाए। इसका मकसद उनसे होने वाले प्रदूषण को कम करना है, क्योंकि वाहन जितनी देर तक ट्रैफिक में फंसे रहेंगे उनसे होने वाला प्रदूषण उतना ही ज़्यादा होगा। दिल्ली से अतुल रंजन, NDTV इंडिया। FIR और गिरफ्तारियों जैसी सख्ती के बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुरुवार को NGT को बताया था कि 15 सितंबर से 23 अक्टूबर तक राज्य में पराली जलाने में शामिल पाए जाने वालों पर 1254 FIR दर्ज की गई और 13,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद पराली जलाने के मामलों में कमी नहीं आ रही है। ये चार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पंजाब के बरनाला और अमृतसर की, हरियाणा के कैथल और करनाल जींद रोड की। आप देख सकते हैं कि तमाम सख्तियों के बावजूद पराली जलाने के मामलों में कमी नहीं दिख रही। और अब ये बात करते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो विकासपुरी में पदयात्रा कर रहे थे और इसी दौरान उन पर हमले की कोशिश हुई। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हमला भाजपा ने कराया है। साथ ही पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस ने नहीं रोका। दिल्ली की CM आतिशी ने कहा कि BJP जानती है कि वो अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकती, ऐसे में इस तरह की गंदी राजनीति पर वो उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि BJP ने केजरीवाल का बाल भी बांका किया तो दिल्ली वाले उन्हें माफ नहीं करेंगे।
और अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां कई ऐसी सीटें हैं जहां पर खून के रिश्तों पर राजनीति हावी है। कहीं बाप बेटी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं चाचा भतीजा, कहीं भाई भाई दूसरी पार्टियों से उम्मीदवार बने हुए हैं तो कहीं पिता पुत्र। महाराष्ट्र चुनाव के इसी दिलचस्प पहलू पर रौनक कुकड़े की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बारामती तैयार है पवार बनाम पवार की दूसरी लड़ाई के लिए। शरद पवार अपनी पार्टी को असली एनसीपी साबित करने की होड़ में है, वहीं अजीत पवार का बारामती में मुकाबला अपने भतीजे युगेंद्र पवार से है। राजनीति में नए नए युगेंद्र शरद पवार की एनसीपी की ओर से अजीत पवार को चुनौती दे रहे हैं। मैं किसी का विरोध करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। मेरे दादाजी शरद पवार और एनसीपी पार्टी के साथ जो भी कुछ हुआ वो मुझे और मेरे परिवार के लिए बड़ा ही दुखद है और जनता ने भी इसे पसंद नहीं किया है, इसलिए मैं मेरे दादाजी शरद पवार का साथ देने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। सामने वाले उम्मीदवार अपनी भूमिका लोगों के सामने रखेंगे और समझदार बारामती कर योग्य निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र में घूमते वक्त मैं सीना चौड़ा करके चलूं, इसका ख्याल बारामती कर रखेंगे। चाचा भतीजा ही नहीं बल्कि गढ़चिरौली जिले की अहेरी सीट पर पिता और बेटी के बीच में भी मुकाबला हो रहा है। चार बार से विधायक और मंत्री रह चुके बाबा धर्मराव आत्राम का सामना अपनी बेटी भाग्यश्री आत्राम से है। बाबा आत्राम जहां अजीत पवार की एनसीपी के उम्मीदवार है, जबकि उनकी बेटी एनसीपी शरद पवार के टिकट से चुनाव लड़ रही है। छगन भुजबल और समीर भुजबल का मामला भी कुछ अलग नहीं है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल येवला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं उनके भतीजे समीर ने पार्टी छोड़ दी है और अब वो निर्दलीय नांदगांव से लड़ रहे हैं। समीर ने एनसीपी से टिकट मांगा था लेकिन सीट बंटवारे में यह सीट शिवसेना शिंदे को चली गई, जिसने वहां से अपने मौजूदा विधायक सुहास कांदे को दोबारा टिकट दिया है। आजकल का है राजनीति में जितने भी भतीजे हैं उन सबका डीएनए एक जैसा ही होता है, ऐसा मुझे अब लगने लगा है। एवढे पुतणे असतात त्यांचा डीएनए सारखाच असतो असं मला वाटायला लागलेला आहे। महायुती और महाविकास आघाडी दोनों में ही सीटों का बंटवारा लगभग तय होने के बाद दोनों ही गठबंधनों को बगावत का भी सामना करना पड़ रहा है। जिन उम्मीदवारों को इस गठबंधन से या फिर सामने वाले गठबंधन से अगर टिकट नहीं मिल रही है तो या तो निर्दलीय चुनावी पर्चा भर रहे हैं या फिर दूसरे गठबंधन में जाकर शामिल हो जा रहे हैं। इन दल बदलू उम्मीदवारों की वजह से चुनाव पर भी इसका खासा परिणाम देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दीपावली की रंगत पर आपको इंदौर के कुम्हार खाड़ी से विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। अनुसूचित जाति उत्पीड़न के एक मामले में कर्नाटक की कोपल जिला अदालत ने 98 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनते ही एक अभियुक्त की मौत हो गई। आपको बता दें कि ऊंची जाति के लोगों ने अनुसूचित जाति की कॉलोनी में करीब एक दशक पहले आगजनी की थी और हिंसा फैलाई थी। दिखाते हैं आपको ये पूरा मामला क्या है। कोप्पल जिला अदालत में गहमा गहमी के बीच सभी 101 अभियुक्तों की पेशी हुई, जहां जज सी चंद्रशेखर ने उनमें से 98 को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 3 को 5 साल की सजा। जज ने 171 पन्नों के अपने फैसले में लिखा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए मुझे रिकॉर्ड पर कोई भी ऐसी परिस्थितियां नहीं मिली जो किसी भी तरह की नरमी दिखाने को उचित ठहराए। इस तरह के मामले में दया दिखाना न्याय का माखौल उड़ाना होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घायल पीड़ित पुरुष और महिला अनुसूचित जाति से है और आरोपियों ने महिलाओं की गरिमा का हनन किया है, पीड़ितों पर लाठी पत्थरों और ईंट के टुकड़ों से हमला किया है जिससे वे घायल हो गए। मेरा मानना है कि आरोपियों को निर्धारित न्यूनतम सजा अवधि से ज्यादा की सजा मिलनी चाहिए। कम सजा देने के लिए रिकॉर्ड पर
कोई पर्याप्त कारण उपलब्ध नहीं है। जज ने 98 अभियुक्तों को उम्र कैद के साथ साथ 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जिन 3 अभियुक्तों को 5 साल की सजा दी गई, उनमें से एक रोमन्ना भोवी की फैसले के कुछ देर बाद मौत हो गई। मेरा एक बच्चा है, मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरा पति ही मेरा सहारा था, अब मैं बेसहारा हूँ। सत्ताईस अगस्त 2014 को कोप्पल के गंगावती में स्वर्ण जाति के मंजुनाथ और उसके दोस्तों की लड़ाई एक अनजाने शख्स से हुई। गांव वापस आकर उसने बताया कि हमला अनुसूचित जाति कॉलोनी के लोगों ने किया है। बस उसी रात तड़के यानी 28 तारीख को स्वर्णों ने अनुसूचित जाति कॉलोनी पर हमला कर दिया, घर जला दिए, महिला पुरुषों के साथ मारपीट की गई और बाद में उनका सामाजिक बहिष्कार। 10 साल बाद ये ऐतिहासिक फैसला आया है। क्या फैसला आया है, 98 लोगों को उम्र कैद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा फैसला होगा। इस ऐतिहासिक फैसले की बुनियाद SP रैंक के एक अधिकारी ने डाली, जिन्होंने जांच के दौरान तमाम पहलुओं का गंभीरता से विश्लेषण किया और दूसरे जरूरी दस्तावेजों के साथ साथ 47 गवाह अदालत के सामने पेश किए, जिनमें से 38 गवाहों ने ठोस गवाही दी, जो कि इस ऐतिहासिक फैसले की बुनियाद बनी, जिसमें 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कैमरा पर्सन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश के इंदौर का कुम्हार खाड़ी दीपावली में पूरे शहर प्रदेश को रोशन करता है। 6 महीने पहले से ही तैयारियां यहां पर शुरू हो जाती हैं। किस तरह से दीपावली के दौरान यहां पर रंगत देखने लायक होती है, इस विशेष रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चाक और हाथों से मिट्टी गूथी, भट्टी में तपाया और फिर रंग रोगन। 7 दिनों की मेहनत से ये रंगीन रोशनी हमारे आपके घरों में आती है। कई परिवार पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। जसुदाबाई ने पिछले साल 2800 दिए बनाए थे, इस साल 1800 ही बने हैं। गुड़िया 1500 बना पाई थी, इस साल आधी। कहती हैं बारिश ने रफ्तार को कम कर दिया। मुझे तो 4-5-6 पीढ़ी हो गई देखते हुए, है ना। मुझे तो अभी 2-3 ही पीढ़ी हुई है, पर बताते हैं शुरू से ही ये काम कर ही रहे हैं सभी लोग। पिछले साल आपने कितने दिए बनाए थे, कितना सामान बनाया था और इस साल कितनी सामग्री बनी है? मैंने करीब पिछले साल बनाया था 2800 घड़े। अच्छा। और इस साल ये बारिश की वजह से मैंने सिर्फ 1800 ही घड़े बनाए। इन दियों की पीली मिट्टी यशवंत सागर के करीब से लाई जाती है। तैयारी 6 महीने से शुरू होती है। मिट्टी तो जसवंत सागर से भी आती है, और भी जगह से, जहाँ अच्छी मिट्टी आ गई वहीं से हम लेकर और ये काम करते हैं। अच्छा। हाँ, पीली मिट्टी से ही करते ज़्यादा करके। पीली मिट्टी, और क्योंकि हाँ। अलग अलग जगह पे कोई, कहीं पे लाल मिट्टी है, कहीं पे काली मिट्टी है, तो नहीं हम तो पीली मिट्टी से ही काम शुरुआत करते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं और फिर मिट्टी को, पीली मिट्टी को लाकर धोकर उसको कंकड़ पत्थर अलग कर मिट्टी चिकनी निकाल कर फिर उसमें कागज मिलाते हैं। कागज मिलाकर फिर अच्छी कुटाई करते हैं, कुटाई करके फिर ये खिलौने बनाते हैं। ये करीब हमको 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। हाँ, 6 महीने से ज़्यादा। कुम्हार खेड़ी के कलाकार पहले पीली मिट्टी को ड्रम में गलाते हैं, फिर उसमें पत्थर और कचरा निकाला जाता है। अगले दिन इस मिट्टी को धूप में सुखाते हैं, फिर इसमें कंडे की राख और लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है। इसके बाद चाक पर चढ़ाकर दिए बनाए जाते हैं। इसे फिर से धूप में सुखाया जाता है, भट्टी में तपाया जाता है। 7वें दिन रंग रोगन होता है। सारी मेहनत एक परंपरा को रोशन रखने के लिए। इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट, NDTV। इस दिवाली जस्ट राउंड द कॉर्नर, व्हाट इज योर मेमोरीज विद दिवाली? ऑल ऑफ अस वेयर न्यू क्लोथ्स, दैट्स वन थिंग व्हिच वी फॉलो।
एट होम अभी. सो वो चीज़ तो बचपन से वो हो रही है एंड वी हैव ऑलवेज बीन एक्साइटेड कि वी गेट सम न्यू क्लोथ फॉर यू नो एवरी वन एंड इन आर फैमिली एंड वी डू दैट. एंड वो ऑफकोर्स मुहूर्त होता है, पूजा होती है, तो वो एक सेट टाइम पे सब लोग हम लोग पूजा करते हैं घर पे एंड विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो विजिटिंग अस एंड सो दैट्स बिन द केस ऑलवेज. एंड आई रिमेंबर दैट बचपन में भी यही करते थे हम लोग और पटाखे बहुत पहले करता था, अब नहीं करता, अब तो बंद ही हो गया. बट बचपन में होता था बट बहुत अब एंड ऑल्सो बट आई वॉज एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट दैट स्वीट्स या ये सब जो खाने बनते थे, खाना बनता था उसके लिए मैं बहुत एक्साइट होता था. अभी भी खाना बनता है अच्छा, अभी भी वो यू नो ऑल दोज लाइक स्वीट्स एंड मिठाइयाँ एंड मठरी और गजक और ये यू नो सो देयर आर स्टफ व्हिच स्पेसिफिकली जो दिवाली में बनती है एंड सो आई एंजॉय दैट. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिवाली डेज बिकॉज लास्ट टाइम मैंने मेट यू मुझे पता है आप डाइट पे थे, चंदन चैंपियन हुआ था एंड यू टोल्ड मी अबाउट ऑल दैट क्रेजी डाइट यू वर डूइंग रिमेंबर. सो नाउ 2 साल तो दिवाली नहीं बनाई मैंने. सो देयर यू गो, 2 साल नहीं बनाई दिवाली. इस दिवाली तो इस दिवाली भूल भुलैया वाली अगर होती है तो बहुत खाना खाऊंगा. ओके आई हैव अ दिवाली रैपिड फायर फॉर यू. ओके क्विकली व्हेन वी से दिवाली व्हाट कम्स टू योर माइंड? लाइक हॉलीडेज, छुट्टी, मजे. वन दिवाली ट्रेडिशन यू फॉलो एट होम? द सेम थिंग आई सेड, वेयरिंग न्यू क्लोथ्स. स्वीट और सेवरी, व्हाट्स योर फेवरेट दिवाली स्नैक? Sweet. Do you prefer lighting diyas or bursting crackers? Lighting diyas. One Diwali gift you will never forget? It's weird. My sister gifted me a PlayStation. So I remember. Ladki aur PlayStation. Yeah. Oh my God. Lakshmi Puja or Diwali parties? Which one are you more excited about? ये दिवाली पार्टीज का कॉन्सेप्ट ना मेरे लाइफ में बहुत लेट आया, वो यहाँ पर आकर आया और वो भी ऑफ लेटली. तो मैं लक्ष्मी पूजा ज़्यादा एक्साइटेड रहता था क्योंकि वो विथ फैमिली रहता है पूरे टाइम एंड या तो ओके. अ दिवाली ट्रेडिशन यू विल वांट टू पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन? आई थिंक स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली. वो बहुत होता है दिवाली में कि यू गेट टाइम टू स्पेंड विथ योर फैमिली एंड अदरवाइज वी आर यूजुअली यू नो इन आवर ओन वर्ल्ड. एंड आई थिंक दिवाली में ये बहुत बचपन से ये रहा है मेरे कि घर पे हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उस दिन. दिवाली में हम कोई बाहर नहीं जाते. हां इट्स मोर लाइक दैट्स द रिचुअल बिकॉज़ लक्ष्मी आती है. एग्जैक्टली राइट. एग्जैक्टली. और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही. पूरी टीम को दीजिए इजाजत. खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ. नमस्कार. We'll be right back.